बेटा आप नया चैप्टर शुरू हो रहा है विमीय विश्लेषण, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब आपसे जो भी डेफिनेशन पूछी जाएंगी फिजिक्स में, तो डेफिनेशन के साथ उस भौतिक राशि का मात्रक भी पूछा जाएगा प्लस विमा भी पूछी जाएगी। तो विमीय विश्लेषण में अब आपको ये पता होना चाहिए कि विमा होती क्या है। तो यहाँ से देखिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घाते लगाई जाती हैं वो भौतिक राशि की विमा कहलाती है। मतलब विमाएं जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, जो मूल मात्रक हैं उन पर जो हम पावर्स लगा देते हैं, घाते लगाते हैं, वो विमाएं कहलाती हैं। ये किसी परिमाण को नहीं दर्शाती। मतलब जैसे अगर हमारे पास 10 मीटर लंबाई है या 100 मीटर लंबाई है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की जो विमा होगी वो एल होगी। जो विमाएं होती हैं उनको बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है। बड़ा ब्रैकेट आपको पता है, ये इसके अंदर विमा को रखा जाता है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जो मूल राशियां हैं हमारी, मूल राशियां मैंने आपको बताया था कि 7 मूल राशियां हैं, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में क्योंकि लेंथ कहते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास कहते हैं एम से। समय, समय को टी से। ताप, ताप को थीटा से। ज्योति तीव्रता से पहले धारा, विद्युत धारा, इसको करते हैं ए। ज्योति तीव्रता इनको इसको करते हैं सी डी, क्योंकि जो इसका मात्रक होता है वो कैंडिला होता है, इसलिए सी डी, सी स्मॉल डी वी स्मॉल। और पदार्थ की मात्रा इसको हम या एम या फिर मोल लिख लेते हैं, ठीक है। तो विमा क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए जो घाते लगाई जाती हैं उन्हें विमाएं कहते हैं। अब देखिए कि हमें याद कैसे करनी है, जैसे कि आयतन, आयतन का विमीय सूत्र या फिर विमा क्या होगी। विमाएं याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फॉर्मूलेज याद होने से विमा इजीली याद हो जाती है। जैसे कि आयतन, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ही मीटर में नापा जाता है, तो एल इंटू एल इंटू एल, इसलिए आयतन की विमा क्या हो गई, एल की पावर 3, ठीक है। इसके बाद इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल की पावर 3, या फिर इसमें एम और टी नहीं आ रहा है तो इसलिए एम की पावर 0, टी की पावर 0 और साथ में एल की पावर 3। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे बल की विमा आपसे पूछी जाए, बल एफ आपने 9th क्लास में किया है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब एकदम से स्टार्टिंग में आपको विमाएं नहीं याद होंगी, पर जैसे जैसे आप उनको यूज करते जाएंगे आपको विमाएं याद होती जाएंगी। तो स्टार्टिंग में इनको याद करने का तरीका क्या है कि आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो जैसे बल का बताया, बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो हम जिसको व्यक्त करते हैं एम से करते हैं, और त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है लंबाई बटे समय का स्क्वायर। इसका मात्रक आपको याद होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो एल अपॉन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी पावर, तो एफ यानी कि बल की जो विमा होती है एम एल टी माइनस 2। इसका मतलब M की 1 है, L की घात 1 है, क्योंकि जिनकी घातें नहीं लिखी होती इसका मतलब 1 होता है, और T की घात क्या है, -2। अब आप जब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पर कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र दिए हुए हैं। आपके पास, जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक में देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आप लोगों को फ्राइडे को एक PDF भी सेंड करी थी, उस PDF में आप देख सकते हैं कि 3 पेज पे टेबल बनी हुई है, इनमें इनके विमीय सूत्र लिखे हुए हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का L2 भी बोल सकते हैं, या M की घात 0 L2, T की घात 0 भी लिख सकते हैं। आयतन, घनत्व, वेग, रेखिक संवेग, त्वरण, गुरुत्व त्वरण, बल, आवेग, दाब,
ये बहुत सारी भौतिक राशियों की विमा है। नेक्स्ट पेज पर भी है, ये पूरा एक टेबल बना हुआ है, उससे नेक्स्ट पेज पर भी है। इस पूरी टेबल को आप एक दिन में याद नहीं कर सकते, आप क्या कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप फॉर्मूलेज याद करें, और जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आप नई नई भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, तो आप इनकी विमाएं जो हैं आराम से बना पाएंगे। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या तो ये आता है किसी भौतिक राशि की विमा पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको PDF सेंड करी थी, तो उस PDF में जो लास्ट पेज है, उस लास्ट पेज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, जिसमें यही पूछा गया कि इस भौतिक राशि की विमा बताइए। तो या तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग, ये जो विमाएं हैं इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इनकी तीन एप्लीकेशंस हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी इनकी तीन एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करूंगी, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाता है।